एक उम्र आने लग जाती है इंसान की जब बोलता बहुत है आदमी। भगवान ने दो कान दिए सुनने के लिए, जीभ तो एक ही दी है और उसका भी दरवाजा लगा दिया कि उसको बंद कर दिया जाए। कान के साथ ये बात है कि इसमें कोई गेट नहीं लगा हुआ कि बंद किया जा सके, ऐसे कोई दरवाजा नहीं है, तो सुनना तो पड़ता ही है। पर आपने देखा होगा कि सुनता कोई भी नहीं है, पति पत्नी भी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं सुनो जी, वो भी कहती है सुनती हो, और सुनता कोई भी नहीं, दोनों में कोई सुनता नहीं। और कमाल की बात यह है कि कुछ का तो प्रभाव इतना कमाल का होता है, एक मिनट में 200 शब्द बोलने के बाद भी कहती है मेरी जबान मत खुलवा देना। इतनी तो तेज स्पीड से मशीन गन की गोलियां भी नहीं निकलती। एक महिला बहुत बोलती थी, इतना बोले कि कोमा फुल स्टॉप तो बिल्कुल था ही नहीं। डॉक्टर के पास गई, वहाँ जाते उसने शुरुआत की, डॉक्टर साहब सुना आपका बहुत नाम है, आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं, मेरा भी इलाज करिए, और इंजेक्शन तो बिल्कुल मत लगाना, कैप्सूल भी मत देना, टैबलेट ही देना, और इस बात का ध्यान रखना, गारंटी देना कि आपकी दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, और ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा मुँह खोलो, जबान बाहर निकालो, और तब तक जीभ बाहर ही रखना जब तक मैं अपनी बात खत्म ना कर लूँ, क्योंकि बोलने नहीं दे रही उसको, बोलती जाए। अब ऐसे में आप सोचिए कि जो ऐसे बोलते हैं उनकी आंधी जब शुरू होती है तो आदमी सोचता ही रहता है कि आंधी रुकेगी कब। कुछ के साथ समस्या ये होती है कि ऑफ करने का बटन कहाँ है, ढूंढते रहते हैं लोग। और इसी स्थिति में झगड़े बढ़ जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं तो हमारी खुद की पैदा की हुई होती है, वो किसी और ने दुख नहीं दिया, भगवान ने दुख नहीं दिया, हमने पैदा कर लिया है। अगर हम एक दूसरे के सुनने वाले हो जाएं और प्यार से अपनी बात कहने वाले बन जाएं, इतना अजीब होता है कि अभी एक वाक्य पूरा किया नहीं, दूसरे ने चार सुना दिए एकदम, तुम्हारा ये मतलब है, तुम्हारा वो मतलब है। अगर हम एक दूसरे को समझ सकें तो समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में संतुलन भी रहे, शांति भी रहे, धीरज रहे, और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बातें सुनकर अच्छी लगती जरूर हैं, इनको स्वभाव में उतारना होता है। जिस चीज को आप 20-21 दिन लगातार दोहरा लेते हैं और रोज उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके स्वभाव में, आपकी आदतों में शामिल होने लग जाती हैं चीज़ें। उसके बाद में फिर 20 दिन और उसका अभ्यास कर लें तो 40 दिन किसी भी चीज़ को आप पूरे अच्छे तरह से प्रयोग कर लेते हैं तो वो आपके अंतःकरण का हिस्सा बन जाती हैं। और ये ध्यान रख लीजिए, आपका ज्ञान नहीं जीतता, आपकी आदत जीतती है। अब वो अच्छी है या बुरी है ये आप सोच लीजिए। बड़ी बड़ी बातें आपको याद हैं लेकिन आपका स्वभाव, आपकी आदत, आपकी हैबिट जो बन गई है वो जीतेगी। अगर ये अच्छी है तो पुरस्कार, आपको सम्मान मिलता है समाज का। और अगर गलत आदतें आपने बना ली हैं तो वो यहाँ भी रुलाएंगी और वहाँ भी रुलाएंगी, कहीं भी चले जाएं वो रुलाती जरूर है। और कमाल ये है कि अगर स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो आदमी वहाँ अपना नरक पैदा करने में देर नहीं लगाता। हम लोग जब छोटे थे तो एक महात्मा कथा करते थे तो उनकी बात सुनते थे तो वो ये सुनाया करते थे कि कोई आदमी स्वर्ग में जाकर भी अगर उस सोचता है स्वर्ग मिल जाएगा तो नहीं मिलता, क्योंकि उसकी आदत वैसी है। वो कहते हैं कि कोई एक आदमी नारद जी को पसंद आ गया तो नारद जी ने उससे कहा कि क्या चाहते हो, बोले मैं आपके साथ जीते जी स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो स्वर्ग अगर हम जाएं तो देखें एक बार कैसा है, तो स्वर्ग चला गया तो वहाँ के सुंदर फूल फल बगीचे देखकर, प्यारी अच्छी सुखद हवा को बहता हुआ देखकर बहुत आनंदित हुआ। और उसने नारद जी से कहा कि नारद जी आप तो लगता है ऑफिस का काम निपटाने जा रहे हैं, मैं जरा यहीं घूम लूँ थोड़ी देर।
नारद जी ने कहा ठीक है। तो चलते चलते कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया, वहाँ खड़े होकर के बोला बाकी तो सब ठीक है, चलाया बहुत है नारद जी ने, अगर यहाँ एक खाट मिल जाती तो कितना आनंद होता। बस इतना कहना था एक चारपाई आ गई, चारपाई पर बैठते बोला अगर यहाँ कोई पांव दबाने वाला या वाली होती तो और अच्छा था, अब वाली पर जोर दिया तो वाली आ गई। जैसे वो पांव दबाने लग गई तो बोले बहुत आनंद आ रहा है यहाँ तो, लेकिन अगर यहाँ हमारी चौधराइन ने देख लिया तो झाड़ू से पीटेगी। आ गई चौधराइन झाड़ू लेकर, लगा झाड़ू इधर उधर, वो झाड़ू मारती जाए और पूरे में दौड़ाती जाए। उधर से नारद जी आए बोले क्या हो गया, अच्छा तुम्हारा स्वर्ग है यहाँ भी झाड़ू से पिटवा दिया। नारद जी ने पूछा तुम खड़े कहाँ थे, बोले उस पेड़ के नीचे, बोले ये कल्प वृक्ष है, यहाँ जो कल्पना करोगे वही मिलेगा, तुम स्वर्ग में भी खड़े हो जाओगे, अगर तुम्हारा स्वभाव नरक वाला है तो स्वर्ग में भी स्वर्ग नहीं मिल सकता, नरक ही मिलेगा, तुम कल्पना ही वह करोगे। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि अगर आपने अपना स्वभाव खराब बना लिया तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए वो वहां रुलाएगा जरूर, और अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो जैसे धर्मराज युधिष्ठिर नरक के द्वार पर खड़े हुए थे लेकिन नरक की गर्म हवाएं उनकी तरफ नहीं आई, बल्कि उनके अंदर से निकलती हुई ठंडी हवाओं ने नरक वासियों को भी शांति देनी शुरू कर दी। इसलिए कहा जाता है कि आदमी अपने साथ अपना स्वर्ग लेकर के दुनिया से जाता है, और वहाँ भगवान स्वर्ग नहीं देता बल्कि आपका स्वर्ग आपको आपके कर्मों से मिलता है, आपके स्वभाव से मिलता है। इसलिए हमें लगातार अपने आप को हर दिन निखारने की चेष्टा करनी चाहिए। आदमी कहता है इससे होगा क्या, मिलेगा क्या, अपनी ऊंचाई का खुद आनंद लीजिए, अपनी अच्छाई का खुद आनंद लीजिए, अपने आप को ऊंचा उठा करके खुद उसका स्वाद लीजिए। दूसरा सर्टिफिकेट देगा आपको ऐसा मत सोचिए। दुनिया का सर्टिफिकेट बहुत अच्छा नहीं होता, वो तो एक मिनट में बदल जाता है। ये लोग जो आपको बोलते रहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, ये क्या काम धंधा शुरू कर दिया, ये कोई काम नहीं है। जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मैं तो पहले कहता था ये कुछ करेगा, कर दिया इसने तो। इसलिए दुनिया के सर्टिफिकेट को मत देखिए कभी भी, ये एक मिनट में गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, लेकिन बस दुनिया को देखकर आपने रंग नहीं बदलना, आप अपने रंग में चलो, अपनी मस्ती में चलो, परमात्मा पुरस्कार देने के लिए तैयार है। अपने अंदर से अपने को ऊंचा उठाइए, और किसी के कंपटीशन में आपको नहीं जाना, आपको अपने अंदर कंपटीशन खुद के साथ करना है। हर दिन निखारिए अपने आप को, पहले से बेहतर करिए, हर दिन नया दिन है, नए विचार, नई तरंग, नई सोच, नया ढंग, आपके चलने फिरने, उठने बैठने में सब में एक नयापन हर रोज पैदा करिए। उम्र को मत देखिए, किसी भी उम्र में आप अपने आप को और नया और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, मन बदलिए अपने आप का। इसलिए एक कार्य करना पड़ेगा, हर एक आदमी को एकांत में थोड़ी देर खुद से बातचीत करने के लिए बैठना चाहिए। हालांकि हर पल हम खुद से बातचीत कर रहे होते हैं, आप यहाँ भी बैठे हैं, अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, आप भी बोल रहे हैं, आप खुद से बोल रहे हैं। जब आप मेरी बात सुनते हैं तो आप अंदर अंदर भी सोचते हैं, आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो एक बात तो वो कि वो बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं, लेकिन दोनों आदमी अंदर अंदर भी बोल रहे होते हैं। वो जो आत्म संवाद होता है, जो खुद से बात आप करते हैं, अगर वो खुद से बात बेहतर करने वाले आप बन जाएं, ऊंचाई उसमें आ जाए तो आप ऊंचे हो जाते हैं। उसको अंदर ठीक कर लीजिए, खुद को कोसना भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा अंतर यहां आता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, आपकी सबसे बड़ी खुराक आपके विचार हैं,
महान विचार, ऊंचे विचार, ऊंची सोच, ऊंचा चिंतन, उस पर बहुत ध्यान दें। और ये जो लोग आपका दिमाग खराब करते हैं कि ये ईमानदार होने से, भला होने से कुछ मिलने वाला नहीं है, दुनिया में टेढ़ा होने से फायदा है, चालाक बनने से फायदा है, वो आपका दिमाग हिला देते हैं, वो आपके मस्तिष्क को बदलते हैं। मंथरा ने कुछ और नहीं किया था, उसने कानों में जहर की प्याली डाली थी, दो चार बोल ही बोले थे। शकुनी ने भी कुछ नहीं किया था, कान में कुछ शब्द ऐसे कह दिए कि जो अपने थे वो भी पराए लगने लग गए, उनको देख करके दुश्मनी महसूस होने लग गई। जब आदमी का मन खराब होता है तो दूसरे का सीधापन, भोलापन भी चालाकी दिखाई देती है, आदमी की ईमानदारी में भी बेईमानी दिखाई देती है, आदमी के व्यवहार में लगता है कि कोई डंका आदमी नहीं है, और जबकि वो बेचारा बहुत सज्जन होता है, क्योंकि मन आपका बिगड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपने आप को सशक्त बनाना है, सुबह एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम व्यायाम करते हुए शरीर को पुष्ट बनाइए, प्राणों को प्राणायाम से बलवान बनाइए, मन को एकाग्रता के द्वारा आप बलवान बनाइए, बुद्धि को आप पवित्र ज्ञान दे करके शक्तिशाली बनाइए, क्योंकि आप इस दुनिया के समस्त जीवों में श्रेष्ठ प्राणी हैं। श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने आपको अक्ल दी है, बुद्धि दी है, इस बुद्धि को हर रोज नया बनाइए, तीखा बनाइए, इसके अंदर नए विचार दीजिए, इसके अंदर नए ज्ञान के द्वारा शक्ति पैदा कीजिए। और आपकी आत्मा का बल है, तपस्या से पैदा होता है, आत्मा सशक्त होती है, और आनंद इसका भोजन है, आनंदित रहना ही लक्ष्य है जीवन का। तो अंदर से खुश रहना, आनंदित रहना, ये चेष्टा हमेशा करें। आपकी शक्ति क्षीण कब होती है? चिंता से, निराशा से, डर से और हीनता के भाव से आपकी शक्ति जाती रहती है। तो आपको हीनता वाला बोध कराने वाले लोग बहुत हैं, जो आपके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आता है ना, वो आता ही इस कारण है क्योंकि बहुत लोग आपको निराश और दीनहीन दिखाना चाहते हैं। तो खुद को खुद समझाइए, खुद को खुद शक्ति दीजिए। ये तब संभव होगा जब आप अकेले बैठेंगे। अकेले बैठकर मोबाइल फोन निकाल के मत बैठ जाओ। कितने लोगों को मैंने देखा है, वो सत्संग में भी बैठे होंगे तो मोबाइल फोन सामने साइलेंट करके बैठेंगे, देखते रहते हैं कोई मैसेज आया क्या, व्हाट्सएप देखते रहेंगे, जवाब भी दे रहे हैं, इधर भी थोड़ा सुन रहे हैं, और साथ साथ वो भी चल रहा है, और कुछ की चैटिंग चल रही होती है, उंगलियां चल रही है लगातार। वो अपने आप को काफी मॉड मानते हैं, मॉडर्न है, लेकिन मॉडर्न नहीं है, वो ज्यादा पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये चंचलता आपके मन की कमजोरी है, और मन की एकाग्रता ही मन की शक्ति है। इसलिए मन को एकाग्र बनाने की कोशिश कीजिए। दुनिया के बेहतरीन लोगों के पास सबसे बड़ी चीज है, वो अपने मन को केंद्रित करना जानते हैं। जो चीज करेंगे पूरे मन से करेंगे, खेलने पर आ गए तो पूरे मन से खेलेंगे, संगीत सुनने पर आ गए तो संगीत में पूरे डूब जाएंगे, पूरी मस्ती के साथ, और जब अपने काम करने पर उतरेंगे, जी जान लगा देंगे अपने काम में, इसलिए हर चीज में बेहतर होंगे। वो आदमी बेहतर नहीं है जो हर समय लुढ़कता रहता है, इधर भी इधर भी इधर भी, सब जगह दौड़ रहा है, कहीं टिक नहीं सकता। जिस आदमी का मन बहुत कमजोर होता है, चंचलता बहुत अधिक होगी, उसके बर्दाश्त करने की ताकत भी बहुत कमजोर होगी, वो थोड़े से दुख में ही बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, बहुत रोएगा। जिस आदमी के अंदर स्थिरता है, धीरज है, धैर्य है, हाथी की मस्त चाल चलना जो जानता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी शोर शराबे से असर नहीं आएगा, बहुत हिम्मत से लगातार चलता रहेगा। एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, हर आदमी को आत्मचिंतन करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है। रियलाइज कीजिए खुद को भी, अपने पीछे वाले जीवन के साथ भी, दृष्टि डालकर
देखने की चेष्टा करें और खुद को खुद जगाएं, अपनी शक्तियों को याद करें कि भगवान ने आपके अंदर अनंत शक्तियां दी हैं, आप साधारण नहीं हो। परमात्मा ने इतनी शक्तियां दी हैं कि आप अपनी शक्तियों को सुलाए बैठे हैं, उनको जगाने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग अपने आपे को भूल जाते हैं, जिसका कारण ये होता है आपके अंदर डर ज़्यादा चलता है, नहीं कुछ हो पाएगा, अब तो उम्र भी नहीं रही, शरीर भी ठीक नहीं रहता, जिंदगी में इतनी सारी उलझने, अब क्या होगा। और ऐसे करते करते लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर इतनी निराशा भर जाती है, नींद भी बेचारों को ठीक से नहीं आती, रात में सोचते सोचते सोएंगे, डरावने सपने देखेंगे, जागेंगे तो भी चेहरे पर ताजगी नहीं रहती, क्योंकि नींद पूरी नहीं मिली। तो अपनी शक्तियों को याद करो अकेले बैठकर, डायरी अपनी बनानी चाहिए जिसमें अच्छी अच्छी चीजें नोट करो आप, और हो सके तो किसी शांत एकांत स्थान में जाओ और मानो कि तुम अद्भुत शक्तियां लेकर दुनिया में आए हो, परमात्मा तुम्हें बहुत प्यार करता है। जब आप अपने आप को समझाएंगे तो शक्ति जागेगी। महात्मा बुद्ध के समय में एक राजा का उदाहरण आता है, एक राजा का हाथी बहुत बूढ़ा हो गया और राजा उस हाथी पर बैठकर अनेक अनेक युद्ध जीत चुका था, तो उसे अपना हाथी बहुत प्यारा था। तो पानी पीने के लिए हाथी गया तो वहां कीचड़ में धस गया और वहीं बैठ गया। अब उसको निकालना मुश्किल हो गया, सैनिकों को भेजा गया तो उन्होंने कहा अगर रस्सियां डालकर इसको खींचते हैं तो एक तो इसका तन भी बूढ़ा हो गया, तो घाव वाव लग गया तो और मुसीबत होगी। तो बहुत कोशिश करते रहे उसको निकालने के लिए, शोर भी मचाया तो भी कुछ नहीं हुआ। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंक ग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-47-10-4610-28-34-5656 और 28-34-47-67, टोल फ्री नंबर 1-800-11-8188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं
तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली